विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट बीटेक प्रोग्राम के लिए मशीन ड्राइंग से एक असेंबली ड्राइंग के बारे में हम बात करेंगे। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के मशीन ड्राइंग के जो वीडियो हैं पावर पॉइंट से बनाए जाते हैं, पावर पॉइंट में बनाकर इसे वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें इस छोटे कर्व छोटे साइज की जो ड्राइंग है या हैचिंग है प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो पाती, अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज हम क्लैपर ब्लॉक जो सेपर मशीन में होता है उसके पर बात करेंगे। इसका उपयोग सेपर मशीन में टूल होल्डर में फंसे टूल के ऑपरेटिंग के लिए होता है। इसका किस तरह से असेंबली होती है और बच्चों को किस तरह से असेंबली बनाना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सेपर मशीन का कंप्लीट लेआउट है, या देखिए कॉलम है, टेबल है, बेस है, रैम है, ये वाइस है, एक टूल पोस्ट है, टूल है, एक क्लैपर बॉक्स है। क्लैपर बॉक्स में ये टूल पोस्ट लगा रहता है जिसमें टूल फिट होता है और रैम के थ्रू या आगे पीछे होता है। जब इस वाइस में कोई मेटालिक पीस जिसका सरफेस बनाना रहता है या कोई उस पर शेप बनानी रहती है तो इस टूल के द्वारा इस मेटल में जो कटिंग करते हैं वह इस टूल से होता है। जब यह रैम पीछे आता है, पीछे आने के बाद इसमें मेटल लगे हुए मेटल पर या टूल के द्वारा कट के काटते हुए आगे जाता है। उसके बाद जब यह वापस आता है तो उस समय यह टूल उठ जाता है, क्योंकि इस क्लैपर बॉक्स में यह टूल जो पोस्ट है यहाँ हिंज के माध्यम से फिट रहता है। तो जब यह रिवर्स डायरेक्शन में आता है या तो उस समय यह टूल उठ जाता है, लेकिन जब यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो टूल या मेटल काटते हुए जाता है और आराम से चला जाता है या ये दब के जाता है। यानी कि जब मेटल की कटिंग का समय आता है तो यह टूल दबते हुए जाता है और जब यह वापस आता है तो यह उठ जाता है। इसी क्लैपर बॉक्स को असेंबली ड्राइंग कैसे बनाई जाती है इस पर आज हम बात करेंगे। यह देखिए ये जो फिगर में क्लैपर बॉक्स दिया हुआ, इसमें यह स्वेल प्लेट है, स्वेल प्लेट है, इसमें एक ड्रैग रिलीज प्लेट, ये जो हिंज के द्वारा इस प्लेट में स्वेल प्लेट में असेंबल रहती है, इस रिलीज प्लेट में यह टूल होल्डर फंसा रहता है। इस टूल होल्डर में यह स्क्रू क्लैंपिंग के लिए यूज स्क्रू होता है। यहाँ एक वॉशर होता है जो टूल का इस बॉडी के साथ गैप को मेंटेन करने के लिए होता है। इस तरह से इस असेंबली को किस तरह से हम एग्जाम में बनाते हैं इस पर हम बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। असेंबल ऑल पार्ट ऑफ द क्लैपर ब्लॉक शो इन फिगर एंड ड्रा द फॉलोइंग व्यू, फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल साइड व्यू। यह देखिए एग्जाम में या टीचर के द्वारा इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें पार्ट का लिस्ट ए है और ये देखिए ये स्वेल प्लेट का फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, यह ड्रैग रिलीज प्लेट का फ्रंट व्यू है, उसका ये साइड व्यू है, ये पिन का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये टूल होल्डर का फ्रंट व्यू दिया हुआ है, टूल क्लैंपिंग का फ्रंट व्यू दिया है, वॉशर का इस साइड व्यू दिया हुआ। तो इन सबको मिला के यह क्लैपर ब्लॉक की असेंबली करनी है। इसका फ्रंट व्यू दिखाना है तथा इनसे मिला करके साइड व्यू को ड्रॉ करना है। आइए देखिए यहाँ पर ध्यान असेंबली ड्राइंग में विशेषतः ध्यान ही दिया जाता है कि पहले तो इस क्लैपर ब्लॉक या जो भी मशीन टूल या मशीन डिवाइस या मशीन पार्ट्स दिया जाता है उसका डिटेल, उनके फंक्शन के बारे में जानना। जैसे अब हमने जान लिया कि स्वेल प्लेट में ये ड्रैग रिलीज प्लेट यहाँ पर फिट होगी, इसका मतलब है कि ये देखिए 63 डायमेंशन है इसका, तो यहाँ पर 65 होगा। अगर हाइट भी आप देखेंगे तो ये जो दिया है 84, और आप यहाँ देखिएगा
ये देखिए 84। तो कुल मिला के यह ड्रैग जो प्लेट है ये यहाँ से यहाँ फिट होगी। इसके अंदर देखिए इसके डायमीटर को, ये वाला सर्कल देखेंगे और टूल का देखेंगे और ये वाला देखेंगे, तो अंदर वाला सर्कल मतलब ये टूल होल्डर इसके अंदर से होकर के यानी इधर से डालेंगे इधर, तो ये इस तरह लगेगा। ये वाशर का अगर आप डायमीटर सब देखेंगे तो ये इसके ऊपर ये यहाँ पर फिट होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए M14 का ये स्क्रू है, तो ये देखिए अंदर में जो ये दिया होगा ये M14 का ही, तो M14 ये और M14 ये इसी के अंदर ये इंसर्ट होगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ फिट होगा। जैसे देखिए ये ड्रैग रिलीज प्लेट जब यहाँ पर लगेगी तो ये होल दिया हुआ है होल, तो ये पिन 100 mm का है, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 100 ही होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, तब ये पिन यहाँ से यहाँ तक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आइए इस डिसअसेंबली ड्राइंग का असेंबली ड्राइंग कैसे करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखिए उस डिसअसेंबली ड्राइंग का हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है कि जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। आपके पास क्वेश्चन पेपर में या बुक में या जो ड्राइंग शीट आप में बनाने के लिए जो पेपर दिया रहता है उसमें यह असेंबली का क्वेश्चन दिया रहेगा। इस क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ के समझ के इनके जो डायमेंशंस हैं इसकी कहाँ कौन सी फिटिंग होगी इसको अंडरस्टूड करके, क्योंकि फंक्शन पहले आपको जानना पड़ेगा, तो इसके आधार पर असेंबली ड्राइंग बनाइएगा। आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। मैं जो असेंबली ड्राइंग बना रहा हूँ वह पावर पॉइंट से बना रहा हूँ, उसके पूरे स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको बनाना है। मैं जगह की कमी और पावर पॉइंट बनाने की वजह से पूरे डायमेंशंस को नहीं लिख रहा हूँ, अतः आपको सलाह दी जाती कि आप यहाँ से डायमेंशंस को देख के नोट करके यहाँ पर अपना ड्राइंग में मेंशन करिए तथा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद डायमेंशनिंग इसको देख के करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये इसका पहले इसका फ्रंट भी बना रहा हूँ, तो ये इसका सेंटर लाइन का मैंने ये ड्रॉ किया, उसके बाद देखिए ये वाला लाइन ड्रॉ किया, तो सेंटर लाइन यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ किया, फिर इस सेंटर लाइन से इसका कितना डिस्टेंस उसको ड्रॉ किया, फिर यह देखिए ए आर्क इस सेंटर से यानी यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है मैंने मार्क कर लिया, मार्क करके ये ड्रॉ किया, फिर ये देखिए इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस इस एक्सिस पर यहाँ पर मार्क किया, देन उसको इस तरह से ड्रॉ किया। इस तरह ये लाइन कितना है देखिए ये जो जितना डिस्टेंस 84 इसको मैंने यहाँ मार्क किया, ये देखिए ये जो डायमेंशन 16 है इधर भी 16 है इसको ड्रॉ किया, इस तरह से ऊपर का जो स्लॉट है वो ड्रॉ किया। ये देखिए ये जो डिफरेंस ये पिन के लिए जो दिया हुआ है डैश डैश उसको मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि मैं असेंबली फ्रंट भी बना रहा हूँ, अतः यहाँ देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ स्लॉट है, ये दोनों और ये पूरे मिलने पर ये इस तरह से दिखेंगे। अब ये देखिए इसमें ये इधर से अगर देखेंगे तो टूल का ये हाइट दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये वाशर दिखेगा, उस हिसाब से मैंने ये ड्रॉ किया। ये लाल रंग का ये मैंने बताने की कोशिश किया कि ये देखिए ये स्क्वायर या रेक्टेंगल का सिंबल रहता है, तो जो ये स्क्रू का क्लैंपिंग है ये इस तरह से होगा, इसको मैंने लाल दिखाया कि एक अलग से आपको दिखा समझ में आए। यह फ्रंट व्यू, इसका सेक्शनल व्यू यानी यहाँ से यहाँ तक काट करके या पार्ट रिमूव करके इसको टर्न करके, टर्न करने के बाद अगर देखेंगे तो जैसा एक क्लैप पर ब्लॉक दिखेगा उसको अब हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अब ये इसका फ्रंट व्यू था, अब इसका ही साइड व्यू देखिए, तो मैं इस साइड व्यू को एक एक जैसा ही है ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये देखिए जैसा यह एज इट इज, पहले लाइन ड्रॉ किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये कैसे किया पूरा ड्रॉ किया, उसके अंदर अब ये देखिए क्लैपर बॉक्स का जो एक ड्रैग प्लेट है देखिए इसको मैंने ड्रॉ किया। ये देखिए इस प्लेट को इस साइड में देख रहे हैं, एक कर्व है ऐसा, इसको ड्रॉ किया, इसके होल हिंज के लिए, उसके बाद ये वाशर मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर टूल होल्डर को मैंने ड्रॉ किया, अब ये देखिए इसमें जो क्लैंपिंग वाला जो स्क्रू है उसको मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद इसका सेक्शनिंग करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी सेक्शनिंग करूंगा, ये देखिए ये सेक्शनिंग किया, फिर इसको देखिए मैं किया सेक्शनिंग, इसके वाशर का सेक्शनिंग किया, अब यह देखिए इसका सेक्शनिंग किया, ये देखिए ये जो मैंने किया है इसको ब्रेकिंग बोलते हैं, ब्रेक क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक हैचिंग करूँगा तो ड्राइंग आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए देखिए ये इस तरह से मैंने ब्रेकिंग करके ये ब्रेकिंग सेक्शनिंग किया है। ओके थैंक यू।